जनपद संभल के पवासा विकास खंड के ग्राम पंचायत देवापुरा में कंपोजिट विद्यालय में घोटाला आया सामने। साथ ही छात्राओं ने प्रधानाध्यापक पर लगाया अभद्र शब्दों के प्रयोग करने का आरोप। आपने आज तक विद्या के मंदिरों में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों को पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे विद्यालय की तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर अध्यापक प्रबंध कमेटी की बैठक के दौरान ऐसे झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वे शिक्षक न होकर सड़क छाप गुंडे हों। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी तहसील क्षेत्र के पवासा विकास खंड के ग्राम पंचायत देवापुरा का है, जहां पर आज सरकारी कंपोजिट विद्यालय में विद्यालय प्रबंध कमेटी की बैठक चल रही थी, जिसमें एआरपी विक्रम सिंह भी मौजूद थे। उनके सामने प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक अनिल कुमार वर्मा ने उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बालक राम पर विद्यालय के रखरखाव के लिए आने वाले पैसों में घोटाले करने का आरोप लगाया, जिसके बाद वहां पर काफी हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस हंगामे के दौरान वहां पर कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्राओं ने अपने प्रधानाध्यापक बालक राम पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया। जब इस विषय में मीडिया ने जिला अधिकारी संजीव रंजन से बात की, तब उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है। इस मामले की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कराई जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। क्या किसी क्या कह रहे थे आप, पढ़ा दिया? नहीं, इस बच्चे को किसी ने पढ़ा दिया? किसके लिए? इस बच्ची को मैं एकदम गया, बच्चे बिल्कुल अपनी जगह। अच्छा, आपको किसी ने पढ़ाया बेटा? ये कहने के लिए खुद मन से क्या कह रहे हैं आप? अपने मन से क्या नाम है आपके गुरु जी का? श्री बालक राम सिंह। क्या कहते हैं आपसे? थोड़ा भी कुछ भूल जाए तो ये बदतमीजी बोलते हैं, नाय लायक तो मैं तमीज नहीं है, शर्म नहीं है, चूड़ी पहन लो हाथों में, ये कहते हैं। तो आप तो महिलाएं चूड़ी पहनेंगी, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें? सर ये कहते हैं अपने हाथ बांध लो, चूड़ी पहन लो, तुम पे कुछ नहीं, ऐसे करते हैं। क्या नाम है आपका? राखी। कहाँ रहती हैं आप? देवापुर। कौन सी? आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री राजपाल सिंह। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8। और कुछ शिकायत है आपकी? नहीं। रानी। कहाँ रहती हैं बेटा? देवापुर। देवापुर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8। क्या नाम है पिताजी का आपके? श्रीमान सिंह। क्या शिकायत है आपकी प्रिंसिपल साहब से? सर ऐसा जी बता रही है, सगरी बात ऐसी है। क्या बताओ ना, ज्यादातर कहता है। कौन कहते हैं, क्या नाम है? हाँ, और क्या कहते हैं? और नायला को, और ना कहता है क्या, इस स्कूल को तो चौपट कर लो, मत पढ़ो। बात मेरे बच्चे ने खुद पढ़ाई। ठीक, ये बात जो आपने अभी कही है किसी के कहने में कही है या? नहीं सर, हम अपने दिल से बात कह रहे हैं सर, हम खुद सोच रहे थे उसका क्या कहते हैं, उनकी बेइज्जती होगी और हम सब, अब हम सब बर्दाश्त ना होगी, इसलिए आपने हमसे कहा, आपसे कहा। ठीक सर, जनपद संभल के पवासा विकास खंड ग्राम पंचायत देवापुर से एक मामला सामने आया, जहां पर पढ़ने वाली छात्राओं ने अपने ही अध्यापक पर एक आरोप लगाया कि वह उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही वहां पर जो तैनात शिक्षक हैं प्राइमरी के, उन्होंने कहा है कि कंपोजिट ग्रांट में भी यहाँ पर घोटाला है, उसमें आप क्या कहेंगे सर? आप लोग के माध्यम से ये हमारे संज्ञान में आया है, इसको मैं जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से जांच करवाता हूं, और जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मामला जो आ रहा है कई बार आ चुका है, लेकिन ऐसे सामना आज तक कोई कर रहे नहीं। अगर आप लोग के द्वारा संज्ञान में, हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है तो हमारे स्तर से बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। जी सर, 8वीं और 7वीं क्लास की बच्चों ने आरोप लगाया अपने टीचर पर कि वो उनको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, तो उसमें सर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये बेसिक शिक्षा अधिकारी के जांच में ये बातें जो है वो सामने आ जाएगी, और अगर दोषी पाए जाते हैं किसी भी स्तर पर तो उनको इसके लिए बख्शा नहीं जाएगा। थैंक्स।